कहते हैं राजनीति हमें संवेदनहीन बनाती है, समाज से रिश्ता जोड़ने के बजाय तोड़ देती है, हमें सीमित और स्वार्थी बना देती है। जहां मतलब निकलता हो, मतलब निकलने के मायने वोट ही होते हैं राजनीति में। जहां वोट साधे जा सकते हो उस तरफ ज्यादा झुकाव, फिर आपका क्या धर्म और आपका क्या ईमान है वो महत्व नहीं रखता। यही तो है राजनीति। विश्वास नहीं होता तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजनीति देख लीजिए, जिनके दो ट्वीट्स ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तुष्टिकरण की राजनीति को जन्म दे दिया है। जबकि दोनों ट्वीट किए गए थे एक ही मुद्दे को लेकर, फिर भी दोनों ट्वीट्स के बीच में था वोट साधने का एक बहुत बड़ा अंतर। यकीन नहीं होता ना, तो चलिए देखते हैं दोनों ट्वीट्स। पहले ट्वीट में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लिखा, श्री गंगानगर में रामसिंहपुर क्षेत्र के उदासर गांव में खेत में पानी की डिग्गी में डूबने से 5 बच्चों की मृत्यु का समाचार बेहद दुखद है। मेरी गहरी संवेदनाएं बच्चों के माता पिता एवं परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस अत्यंत कठिन समय में संबल प्रदान करे। इसके बाद जब अशोक गहलोत का दूसरा ट्वीट सामने आया, उसे देख लेते हैं। फलोदी जोधपुर के बेंदती कला गांव के तालाब में डूबने से 2 युवकों की रहमतुल्लाह एवं श्री अकरम की मृत्यु दुखद है। मैं ईश्वर से मृतकों की आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिवारों को हिम्मत देने की कामना करता हूं। मृतकों के परिजनों को चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5,00,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। देखा आपने अंतर, रहमतुल्लाह और अकरम की मौत पर 5,00,000 रुपए की सहायता राशि, और जहां 5 हिंदू बच्चों की मौत हो गई उसमें सिर्फ संवेदना। क्या अशोक गहलोत को देश के भविष्य को लेकर दुख कम होता है? हमने 5 बच्चों को खो दिया उस पर सिर्फ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, और 2 मुस्लिम युवकों को खोया तो उनके परिवार को संवेदना के साथ साथ 5,00,000 रुपए की सहायता राशि भी दे रहे हैं। ये कैसी राजनीति है गहलोत साहब? और अब जब गहलोत साहब ने ऐसी तुष्टिकरण राजनीति को जन्म दे ही दिया, तो फिर बीजेपी ने भी राजस्थान सरकार को घेरने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, मृत हिंदू बच्चों के प्रति केवल संवेदना और मुस्लिम मृतकों के परिजनों को 5,00,000 रुपए का मुआवजा, ये तुष्टिकरण नहीं तो और क्या है? राजस्थान सरकार की दकियानूसी अब सामने आने लगी है। प्राकृतिक आपदा किसी का बस नहीं, घटनाएं घट जाती है, पर प्राकृतिक आपदा के अंदर सहायता के मापदंड बने हैं उसमें भी भेदभाव करना सरकार ने प्रारंभ कर दिया। मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 ट्वीट देखे। एक मामले के अंदर फलोदी के अंदर रहमतुल्लाह और एक और 2 बालकों की मृत्यु पर उन्होंने 5,00,000 रुपए देने की घोषणा की, स्वागत योग्य है। पर इसके साथ ही रामसिंह नगर गंगानगर के अंदर 5 बच्चों के एक साथ डिग्गी में डूब के मरे, संवेदना उनके लिए भी व्यक्त की, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद दूंगा, पर 1 रुपए की भी सहायता की घोषणा नहीं की। ये दोहरे मापदंड क्यों? ये सवाल खड़े करते हैं, हर मामले के अंदर वोट की राजनीति क्यों करते हैं? इस प्रकार का ट्यूबलर विजन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान के मुखिया है, हमारे मुख्यमंत्री है, किसी एक संप्रदाय एक धर्म के नहीं, सबके हैं। आपने सहायता दी फलोदी के मामले में, अच्छा किया, गरीब के आंसू पहुंचे, पर वो भी गरीब है जो उसी दिन रामसिंहनगर गंगानगर के अंदर डिग्गी में डूब के 5 लोग काल कल्पित होते हैं, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। बीजेपी आईजी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री गहलोत के दोनों ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट साथ में ट्वीट किया है। लिखा है, एक ही दिन में 2 घटनाएं हुई, इन घटनाओं में मुख्यमंत्री ने धर्म देखकर मुआवजा दिया, ये कांग्रेस का सेक्युलरिज्म है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मेजर सुरेंद्र पुनिया ने भी सीएम अशोक गहलोत की इस राजनीति पर हमला बोला। फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी ट्वीट किया, लिखा, एक ही दिन एक ही राज्य में 2 घटनाएं, कांग्रेस का डीएनए देखना हो तो मुख्यमंत्री के दोनों ट्वीट को देखे। 2 अलग अलग घटनाओं पर किए गए ये ट्वीट अगर सत्य हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पराकाष्ठा भी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रवक्ता रामलाल शर्मा और लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी अशोक गहलोत पर तुष्टिकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि जब मामला बिगड़ता हुआ देखा गया तो फिर मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा सफाई देने लगे, बीजेपी नेताओं पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाने लगे। शर्मा ने कहा, श्रीगंगानगर में जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनमें से 3
तीन बच्चों के परिजनों को भी चिरंजीवी योजना के तहत 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जोधपुर में इसी प्रकार की घटना से इसे असंवेदनशील रूप से जोड़कर प्रचारित करना गलत है। आपको बता दें, रविवार यानी कि 31 जुलाई को श्रीगंगानगर में रामसिंहपुर गाँव के खेत में बनी डिग्गी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई थी। 5 बच्चों की उम्र 10 से 13 साल के बीच थी। इनमें भावना, अंकित, निशा, राधे और अंशु शामिल थे। ये 5 बच्चे मजदूर परिवार के थे। इस हादसे पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की थी। वहीं रविवार को ही जोधपुर जिले के फलोदी स्थित बेंगटी कला गांव में तालाब किनारे सेल्फी लेते समय 2 युवक तालाब में गिर गए। इस हादसे में 21 साल के रहमतुल्ला और 20 साल के अकरम की मौत हो गई। इस घटना पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए संवेदना तो जताई ही, साथ ही चिरंजीवी योजना के तहत मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। और अब इन्हीं 2 ट्वीट को लेकर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी नेता मुख्यमंत्री पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। हिंदू परिवार के बच्चों की मृत्यु पर सिर्फ संवेदना और मुस्लिम परिवार के 2 युवकों की मृत्यु पर संवेदना के साथ साथ मुआवजे के ऐलान पर इसे भेदभाव की राजनीति करार दे रहे हैं। वैसे आप इसे तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आपकी नजर में ये भेदभावपूर्ण राजनीति नहीं है तो और क्या है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।